जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इसकी जो पॉपुलेशन है ये लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही थी। और इसका कारण क्या था, इसकी पॉपुलेशन की जो गिरावट थी इसका कारण क्या था, इसके कारण अगर इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो देखेंगे तो राजस्थान, अगर भारत में देखेंगे तो राजस्थान, फिर इसके बाद जो है गुजरात, गुजरात राजस्थान, ये दो स्टेट में जो इनकी पॉपुलेशन हाईएस्ट देखने को मिलती है। फिर इसके बाद जो है पाकिस्तान आता है। तो इसके कारण की अगर बात करते हैं तो अगर राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो इसकी पॉपुलेशन है तो यहाँ पे देखेंगे कि इस पे जो जो बिजली के जो खंभे हैं, जो बिजली के खंभे हैं इनके कारण जो ये इनका जो हैबिटेट है, यानी कि जो नेचुरल जो हैबिटेट है, ये जो इनका जो प्राकृतिक जो आवास है, तो वो जो है यहाँ पे जो है इनके जो है खतरा देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि जब इनका जो फ्लाइंग एरिया है जहाँ ये फ्लाई करते हैं, तो इस एरिया में जो है यहाँ पे बिजली के खंभों से जो है टकरा करके इनकी डेथ जो है देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसके अगेंस्ट जो है एक प्ली देखने को मिली थी सुप्रीम कोर्ट में। तो इसके जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को यहाँ पे दिया गया है कि राइट है जो यहाँ पे क्लाइमेट के कारण जो ह्यूमंस के जो राइट हैं वो क्लाइमेट के कारण जो यहाँ पे जो उनमें जो चेंज आ रहा है, जो एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, जो ह्यूमन राइट है उन पर जो क्लाइमेट का जो इंपैक्ट आ रहा है, जो फंडामेंटल राइट्स पे जो इंपैक्ट आते हैं उसको देखते हुए इंपॉर्टेंट जजमेंट यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे जो आर्टिकल आर्टिकल 14 एंड 21 में भी जो इसको जो है लिंक करने की यहाँ पे बात करी गई। तो इस पूरे इसको जो हम पूरा यहाँ पे डिटेल के साथ यहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की अगर कैटेगरी की बात करें तो ये जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में जो है आता है। अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या है, यानी कि पिछले 10 वर्षों में इसकी इनकी जो पॉपुलेशन है 90% जो है इनकी जो पॉपुलेशन 90% इनकी जो गिरावट देखने को में दर्ज की गई, इसलिए इनको जो क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में रखा जाता है। ये कैटेगरी कौन प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है कि जो IUCN जो है, IUCN जो है एक इंपॉर्टेंट संस्था है, ये जो है ये कैटेगरी जो है प्रोवाइड करता है। अगर आप देखना चाहें कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड और इंडेंजर्ड या वनरेबल जो भी कैटेगरी जो होती हैं, इन सबको मैंने डिटेल के साथ जो है पूरा प्रोवाइड कर रखा है। आप इन्वायरमेंट की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के देख सकते हैं, पहले वीडियो आपको यही मिलेगी, क्योंकि मोस्टली जो स्पीसीज होती हैं वो सारी जो है न्यूज़ में बनी रहती है जिसके कारण। और अब ये न्यूज़ में आई है सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट जजमेंट भी आया है, तो हो सकता है कि जो 16 जो जुलाई को जो UPSC का जो पेपर होने वाला है प्री का, तो हो सकता है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। होपफुली आपको जो यहाँ पे बेसिक और भी समझ में आ गया होगा। तो आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसकी पॉपुलेशन आप याद रखना है सबसे ज़्यादा राजस्थान में, फिर इसके बाद जो है गुजरात में देखने को मिलती है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इसकी पूरी डिटेल एनालिसिस। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो द हिंदू की जो न्यूज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लिंक करने की बात की गई है, जो राइट है, जो ह्यूमंस के जो राइट है अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन से जो ह्यूमंस की जो लाइफ जो इंपैक्ट कर रही है उसको यहाँ पे फंडामेंटल राइट बनाने की बात की गई है। और यहाँ पे लिंक करने की बात की गई है जो आर्टिकल 21 एंड 22 को जो है लिंक करने की बात की गई है। जैसे कि अगर हम 21 की बात करते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि चंद्रचूड़ जी ने यहाँ पे कहा है कि राइट टू लाइफ, जो कि राइट टू जो लाइफ है ये आर्टिकल 21 में जो है इंक्लूडेड है, वो कैसे है कि देखिए लाइफ एंड जो इक्वलिटी है, यानी कि लाइफ और इक्वलिटी कैन नॉट बी फुली रिलीज्ड, यानी कि जो फुली रिलीज नहीं होते हैं विदाउट क्लीन एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पे फसल जो है पूरी खराब होने की स्थिति में है, और यहाँ पे किसान की हालत आप देख सकते हैं। तो किस तरीके से जो है इस पूरे इसी को लेकर हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो UPSC का जैसे कि हम बात करते हैं, हमारे एग्जाम में क्लाइमेट चेंज जो है UPSC का फेवरेट टॉपिक ही रहा है, तो इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे पूरी जो खबर है इसको हम यहाँ पे देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट की, तो यहाँ पे क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर का जो एक PYQ है ये 2022 का क्वेश्चन है, आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अदरवाइज वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो के लास्ट में इसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हुआ क्या है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जैसे मैंने पहले बताया कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जिसकी पॉपुलेशन जो है राजस्थान में हाईएस्ट देखने को मिलती है, उसकी एक प्ली पे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई चल रही थी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक्सपेंड किया है, यानी कि जो स्कोप, यानी कि जो आर्टिकल 14 एंड 21 के जो स्कोप है इसको यहाँ पे एक्सपेंड किया गया है, कैसे, जो इंक्लूड होता है राइट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज को भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे एक, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको आर्टिकल 48A आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द स्टेट शैल बी एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरमेंट, यानी कि जो यहाँ पे जो आर्टिकल 48(1)(a) की बात की जाए तो यहाँ पे जो सेफ गार्ड करने की जो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है और जो डिफरेंट डिफरेंट जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी है, तो यहाँ पे जो है स्टेट को जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये राइट प्रोवाइड करता है। और आर्टिकल 51 में जो यहाँ पे हम बात करते हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं, ये भी जो है हर इंसान को यहाँ पे प्रोवाइड की गई है कि जो भी अगर वो उस एरिया में जैसे कि फॉरेस्ट है, लेक है, रिवर है, कोई वाइल्ड लाइफ है, तो उनको जो है प्रोटेक्ट करने की बात यहाँ पे की गई है, वो उनका एक जो है फंडामेंटल ड्यूटी होगा, ये यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इनकी एक जो इसमें जो है तीन जजों की ये बेंच थी, उसमें जो है प्रेसिडेंट जो यहाँ पे जो चेयर किया जा रहा था, यहाँ की जो चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया है DY चंद्रचूड़, इन्होंने जो यहाँ पे अध्यक्षता की थी, उनकी अध्यक्षता में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल जो प्रभाव पड़ते हैं, जो ह्यूमंस में जो प्रभाव पड़ते हैं उनके अधिकार को जो शामिल करने के लिए अनुच्छेद 14 और 21 के दायरे को यहाँ पे विस्तार किया है। आप अगर हिंदी में देखना चाहते हैं यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे पूरा डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं। तो अब देखेंगे, जब भी आप देखेंगे कि UPSC में आर्टिकल 14 एंड 21 जो हमेशा जो UPSC हर अल्टरनेट ईयर में जो UPSC द्वारा क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको यहाँ पे इस न्यूज़ को जो है अपने किसी भी नोट्स वगैरह में इंक्लूड कर लेना है और आर्टिकल 51A और 48A इन दोनों को रीड कर लेना है डिटेल के साथ, ताकि हमारे जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन है वो जो हमसे हो जाए। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं इस जब फैसला आया तो जो यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि जो बिजली के खंभे थे जिनके कारण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ जो है डेथ देखने को मिल रही थी, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या ऑर्डर जारी किया कि जो बिजली के जो खंभे हैं उनको जो है अंडरग्राउंड जो है यहाँ पे क्या कर दिया जाए, अंडरग्राउंड जो है उनको वहाँ पे जो है जो वायर है उनको जो है किया जाए। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ जो इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है उन्होंने यहाँ पे कहा कि ये जो इतनी जो हाई वोल्टेज जो केबल्स जो होती है, हाई वोल्टेज जैसे कि 11,000 वोल्टेज होगी, 13,000 जो वोल्टेज होगी, ये जो है जमीन के अंदर ले जाना है एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके कारण जो है मिनिस्ट्री ने यहाँ पे
कहा है कि जो है इसे मॉडिफाई किया जाए, जो आपने ऑर्डर दिया है उनसे रिक्वेस्ट किया है कि इससे जो है मॉडिफिकेशन कर देना चाहिए, और जिसको जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे स्वीकार भी किया गया है। तो देखना होगा कि आगे क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर्यावरण का महत्व, जैसे कि इस प्रावधानों द्वारा दर्शाया गया कि संविधान के अन्य भागों में एक अधिकार बन जाता है, जैसे अनुच्छेद 21 जो यहाँ पे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देता है, और अनुच्छेद 14 इंगित करता है कि सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष जो है समानता यहाँ पे जो है मिले और समान संरक्षण यहाँ पे मिलना चाहिए। तो इसके लिए जो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल जो प्रभाव है इनके महत्वपूर्ण स्रोतों को यहाँ पे कहा गया है। तो आप इस तरीके से पूरी इस न्यूज़ को यहाँ पे पूरा जो है देख सकते हैं। और फिर अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज की, तो यहाँ पे देख सकते हैं यानी कि जो IPCC की जो रिपोर्ट आती है, ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 2023 की जो सिंथेथिस रिपोर्ट है। सिंथेथिस का मतलब होता है कि जैसे कि ये जो डेटा जो प्रयोग करते हैं, ये डेटा खुद नहीं मतलब करते, रिसर्च वगैरह नहीं करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे जो है ये डेटा को जो है कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद फिर अपनी एक सिंथेथिस जो रिपोर्ट यहाँ पे जारी करते हैं। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि हमारे IPCC की जो रिपोर्ट है ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट हो सकती है। और डिफरेंट डिफरेंट ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है आप यहाँ पे उसकी वेबसाइट पर जाकर के आप इस जो रिपोर्ट से आप यहाँ पे जाकर के जो इनको रीड भी कर सकते हैं और अपने नोट्स को अच्छे से बना सकते हैं। यहाँ पे जो है सिंथेसिस रिपोर्ट में देख सकते हैं ये क्या है, ये एक जो है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, एक जो है जिसे IPCC जो यहाँ पे कहा जाता है, ये छठे मूल्यांकन का जो है यहाँ पे जो सिक्स सिंथेसिस रिपोर्ट है जो है ये आई थी, और इसे शुरू किया गया था 2015 में। अब यहाँ पे इंटर गवर्नमेंटल का मतलब क्या है, यहाँ पे जो सारी जो गवर्नमेंट होती हैं ये यहाँ पे जो है जो डेटा वगैरह जैसे मैंने पहले बताया सिंथेसिस जो रिपोर्ट है ये डेटा वहाँ पे प्रोवाइड करती हैं और उनको इनकॉर्पोरेट करके ये पूरा जो है सिंथेसिस रिपोर्ट को जो है जारी करते हैं। फिर ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं COP28 की भी बात की गई है, जो कि ग्लोबल स्टॉक के यहाँ पे जो वैज्ञानिक है उन पर उनको जो है इनपुट प्रदान करता है, और जो पेरिस जो यहाँ पे जो पेरिस जो एग्रीमेंट है उसके लक्ष्यों को जो है यहाँ पे जो है दिशा प्रदान करने की ओर जो है अग्रसर रहता है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो मतलब पिछले 200 वर्षों में कैसे कैसे क्लाइमेट चेंज को जो है यहाँ पे मतलब जो जो क्लाइमेट चेंज हुआ है इसके लिए मनुष्य जो यानी कि जो मानव जो है कितना जिम्मेदार है, और वर्तमान कारक क्या है, जैसे कि वर्तमान जो कारक है कारण की बात करें टेम्परेचर का जो इंक्रीज है, जैसे कि इसमें जो पूर्व औद्योगिक स्तर यानी कि जो जो इंडस्ट्रियल इरा है उससे पहले जो है यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे देखिए 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि जो है हो चुकी है, यानी कि जो पूर्व इंडस्ट्रियल जो इरा है यानी कि जो और पूर्व औद्योगिक स्तर से पहले से लेकर के अब तक, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है इतने डिग्री सेल्सियस का जो है तापमान जो है वृद्धि देखने को मिली है, जिसके कारण क्या है कई बार अधिक बार जो है खतरनाक मौसमी घटनाएं देखने को मिली है, ये जो है पूरा रिपोर्ट में जो कहा गया है। और इस रिपोर्ट में जो कहा गया है कि ये जो अगर इतने 1.5 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान जो अगर बढ़ जाता है तो ये जो है मानव के लिए बहुत ही खतरा प्रदान कर सकता है। तो ये जो पूरी न्यूज़ थी IPCC की जो सिंथेसिस रिपोर्ट थी, इसको भी हमने एक बेसिक बेसिक यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, और होपफुली अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़ना चाहें तो आप मुझे बता दीजिएगा, इसका एक डिटेल्ड वीडियो जो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो पेवर इसका जो पूरे जो आउटकम्स है क्या क्या इनिशिएटिव है ये सारे जो हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे बात आती है, ये तो प्रॉब्लम हुई, लेकिन अब यहाँ पे जो वे फॉरवर्ड है ये क्या होना चाहिए, वे जो फॉरवर्ड है ये क्या होना चाहिए। तो जैसे कि हम बात करते हैं भारत में क्या है, जो सोलर का जो पोटेंशियल है बहुत ही हाई है, तो यहाँ पे कहा गया है कि इंडिया को जो है यहाँ पे जरूरत है नीडेड है तो सिर्फ सोलर पावर, यानी कि यहाँ पे जो है सोलर पावर के रूप में उभरना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे जो ग्लोबल एनर्जी की जो डिमांड है इसमें जो है 25% की जो हिस्सेदारी जो है की जा सकती है। और यहाँ पे आप देखना चाहें कि जो यहाँ पे जो भारत ने जो गोल सेट किया है इसको जो 500 गीगावाट जो कि नॉन फ्यूसल फ्यूल जो होगा उसके रिगार्डिंग नॉन फॉसिल बेस्ड जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन है उसकी कैपेसिटी जो है 5 गीगावाट तक करना है 2030 तक, और जो यहाँ पे जो नेट जीरो का जो नेट जीरो कार्बन का जो टारगेट है इसे अचीव करना है 2070 तक। ये कुछ जो है भारत सरकार के द्वारा कुछ इनिशिएटिव आप यहाँ पे देखना चाहें तो लिख सकते हैं, आप अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे जो रिन्यूबल एनर्जी स्टैटिक्स यहाँ पे देखें 2023 का, यहाँ पे जो इंटरनेशनल रिन्यूबल एनर्जी एजेंसी है ये भी यहाँ पे जो है कुछ डेटा प्रोवाइड करती है, तो इसका भी एक आप जो है एग्जाम्पल के रूप में इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जो है यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट के कारण जो है इस तरीके के जो है आपको यहाँ पे जो प्रोटेस्ट भी देखने को मिलेंगे। तो हमने पूरा एक न्यूज़ को एनालिसिस किया, और फिर इसके साथ साथ जो हमने जो चैलेंजेस है उसको भी देखा, फिर इसके साथ जो हमने पूरा देखा, अब ये बात आती है यहाँ पे जो हमने आपको जो इनिशियल स्लाइड से जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या है, उसका आंसर क्या है, उसका आंसर ये क्या है कि ये जो है एक डेटाबेस है। ये क्या है, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, ये क्या है, ये एक डेटाबेस है जो क्रिएट किया जाता है कोएलिशन से, जो रिसर्च सॉरी यहाँ पे जो रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके कोएलिशन से एक डेटा जो है डेटाबेस जो है क्रिएट किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और आप चाहते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये वीडियो का एंड, चलिए आपको समझ में आया हो तो आप जो इसके बारे में जो फीडबैक है जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।